हेलो रियल फैंस, आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर गेम को फर्स्ट टाइम खेलना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है और वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस गेम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको गेम खेलते समय क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं पूरे गेम में, और हम एंड में एक लाइव ट्रेन जर्नी भी करके बताएंगे विथ ऑल द फीचर्स अवेलेबल। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात मैं कन्फर्म करने देना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ बेसिक गेम प्ले होगा। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स हम एडवांस गेम प्ले एक दूसरे वीडियो में डालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गेम में एंटर होते से आपको लैंडिंग पेज कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले गैरेज का ऑप्शन मिलता है। गैरेज में आपको मिलते हैं सारे लोकोमोटिव्स जो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेन गेम में। ये लोकोमोटिव सारे के सारे अनलॉक नहीं होंगे इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये धीरे धीरे आपको चैलेंजेस के थ्रू आपको अवेलेबल किए जाते हैं। इन लोकोमोटिव्स में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अलग अलग स्किन लगा सकते हैं, हॉर्न लगा सकते हैं, प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अनलॉक किया जाता है जेम्स और कैश की हेल्प से। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लोकोज आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग आप देखेंगे ये कोचेस हैं राजधानी के, अलग अलग शताब्दी के कोचेस आपको मिल जाएंगे, दुरंतों के कोचेस मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ये कर सकते हैं। फिर रूट्स में अगर आप बनाएंगे तो रूट्स में आपको डिफरेंट टाइप के रूट्स दिखते हैं। ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, आपको ये रूट्स दिखते हैं आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं ट्रेन से। तो अगर हम वापस से लैंडिंग पेज पर आते हैं, यहाँ पर हमको तीन टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, करियर, चैलेंज एंड कस्टम। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कस्टम मोड बाकी के दो नेक्स्ट वीडियोज़ में। यहाँ पर आपको जो भी ट्रेन चलाना है आप उसकी ओरिजिन और डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ओरिजिन में जाएँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेशन मिल जाएंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेशन अवेलेबल है। सिमिलरली डेस्टिनेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ वेदर और टाइम यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको सूट करे। यहाँ पर अभी हम क्लियर वेदर यूज़ करेंगे। टाइम डिफरेंट टाइप के टाइम यूज़ कर सकते हैं अपन, रात को या सुबह, जैसे भी आपको ट्रेन चलाना हो। तो आगे बढ़ते हैं, हमको इस टाइप का कुछ पेज दिखता है। यहाँ पर हम इंजन और कोच का टाइप यूज़ कर सकते हैं। जब इंजन पर टैप करेंगे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन अवेलेबल दिख जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे मैं वेब 4 यूज़ करता हूँ तो वेब 4 सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम जर्नी आगे बढ़ाने के लिए वेब 5 यूज़ करेंगे। कोच सिलेक्ट कर सकते हैं। कोच सिलेक्ट करने में डिफरेंट टाइप के कोच जो भी आपके अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको कोच काउंट चेंज करने का। आप नंबर ऑफ कोचेस बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद आपको अगर सिर्फ इंजन चलाना हो तो इंजन भी यूज़ चला सकते हैं। डबल हेडिंग मतलब अगर दो इंजन लगाना हो तो दो इंजन लगा सकते हैं। हुड साइड मतलब अगर आपको इंजन रिवर्स करना हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड में बॉटम में आपको दो और ऑप्शन मिल जाते हैं, कपलिंग और राउंड ट्रिप के। कपलिंग अगर कपल डिकपल करना हो तो, और राउंड ट्रिप में अगर आपको डेस्टिनेशन से वापस आना हो तो आप राउंड ट्रिप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहीं से आप ट्रेन का स्टॉपेज भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे एक्चुअल ट्रेन जर्नी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो गेम स्टार्ट होने के पहले आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिख जाता है। जहाँ भी आपने स्टेशन चूज़ किया उस स्टेशन पर आपको आपकी ट्रेन खड़ी हुई मिलती है। यहाँ पर आपको इंजन दिख जाता है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना ही होता है इंजन, जो कि स्की से होता है। इंजन स्टार्ट करने के बाद आपको ओपन करना होता है डोर। यहाँ पर अगर हमारा इंजन है तो प्लेटफॉर्म पर राइट साइड का डोर ओपन होगा। तो गेम में आपको कुछ इस तरह सा कंट्रोल पैनल दिख जाता है। यहाँ पर आपको अगर आप लेफ़्ट बॉटम साइड में देंगे तो आपको टाइम दिख रहा होगा कि आपको चेन्नई को किस टाइम पर लीव करना है, या मतलब कि कब आपको यहाँ से निकलना है। फिर राइट साइड में ब्रेक्स और फॉरवर्ड और रिवर्सल के बटन्स भी अवेलेबल हैं। अब जैसे जैसे टाइम जाता जाता है थोड़ी देर बाद हमको अपनी ट्रेन को बढ़ाना होगा गेट्स को क्लोज़ करने के बाद। अब यहाँ पर हम अपना एक बार हॉर्न दे के देखेंगे। हॉर्न दे देंगे, अब हॉर्न यहीं लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा हमारे डैशबोर्ड के कि हमारी ट्रेन का स्टेटस क्या है। अभी इट इज़ ऑन टाइम। अगर लेट है तो आपको उस टाइम जल्दी से निकलना है, अर्ली है मतलब आपको रोकना है। तो अभी वी आर ऑन टाइम। अब धीरे से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमको रेडी टू डिपार्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब हमको थ्रॉटल को धीरे धीरे पुश करेंगे। हमने 14% थ्रॉटल को पुश कर दिया और ये देखिए हमारी ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे कंट्रोल्स। लेफ्ट साइड में आपको अलग अलग कैमरा एंगल्स दिखते हैं। उसके नीचे आपको मिल जाता है सिग्नल, ग्रीन सिग्नल है मतलब आपको ट्रेन चलाना है, आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है ट्रैक चेंज, इसका मतलब है आगे 150 मीटर्स में आपको ट्रेन का ट्रैक चेंज करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ हमारा डिपार्चर हो चुका है चेन्नई प्लेटफॉर्म से।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्बिट व्यू में हमारी ट्रेन। यहाँ पे एक और एक बढ़िया सा फीचर है जहाँ पे आप ट्रेन की फोटो ले सकते हैं। आप गेम को पॉज करेंगे, यहाँ पर फोटो मोड पे जाएंगे, फील्ड व्यू देख सकते हैं कितना आपको फोटो लेना है, और यहाँ पर जब कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो हो जाएगी सेव अपने मोबाइल में। यहाँ पर फोटो सेव करने के बाद हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे। जर्नी कंटिन्यू करेंगे आप देखिए यहाँ पर स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट यहाँ पर आपको बीच में दिख रही 50, मतलब आप अभी इस रूट पर 50 से आगे नहीं जा सकते। लेफ्ट में आप देखेंगे नेक्स्ट स्पीड लिमिट 140 की है, विच इज़ आफ्टर 150 मीटर्स। तो आफ्टर 150 मीटर्स हम उस स्पीड पर जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ट्रेन के क्या क्या अवेलेबल कैमरा एंगल्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट है ड्राइवर व्यू। ड्राइवर व्यू में आपको कैबिन का व्यू दिख जाता है जैसे भी ड्राइवर चला रहा होगा। उसके बाद है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड भी सेम ही होगा जो भी ट्रेन का डैशबोर्ड है वो व्यू दिखेगा। उसके बाद पेंटोग्राफ, मतलब जो इंजन के ऊपर पेंटोग्राफ है उसका व्यू अगर देखना हो तो आपको, तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्री क्वार्टर, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा व्यू मिल जाता है। देखिए हमारी ट्रेन ने कितना प्यारा सा ट्रैक चेंज किया है, मतलब तो स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, मैंने थोड़ी कम कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे तो रिवर्स व्यू, ट्रेन के पीछे से अगर आपको देखना हो व्यू तो यहाँ से आप रिवर्स व्यू देख सकते हैं। उसके बाद सिटिंग व्यू, मतलब ट्रेन के अंदर अगर पैसेंजर सिटिंग व्यू देखना है यहाँ से देख सकते हैं। सिटिंग व्यू के बाद स्टैंडिंग व्यू इनसाइड द ट्रेन भी देख सकते हैं यहीं इसी ऑप्शन के साथ। फिर ड्रोन व्यू, मतलब ऊपर से अगर आप एक ड्रोन की तरह देखना हो तो ड्रोन भी चल रही है। सिग्नल व्यू थोड़ी बाद में बताऊंगा, अभी ऑप्शन नहीं है। बोगी व्यू में इस टाइप का कुछ आपको व्यू मिलता है। उसके बाद लास्ट आता है साइड व्यू। साइड व्यू में आपको इंजन या ट्रेन का साइड व्यू दिखता है। उसके बाद मोस्टली यूज जो होता है ऑर्बिट, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वो होता है ऑर्बिट व्यू। तो ऑर्बिट व्यू में अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऑर्बिट व्यू में आप यहाँ पर जो एरो दिख रहा है वहाँ से आप ऑर्बिट का एंगल भी चेंज कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रेन से आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो अगर आप मैक्सिमम तक जाएँ तो पीछे तक आ जाएगी। इस टाइप से आप एरियल व्यू में ऑर्बिट व्यू देख सकते हैं। स्विचिंग बैक टू नॉर्मल नाउ। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा अरक्कोणम जंक्शन 313 मीटर से, और येलो सिग्नल है, मतलब आपको स्पीड कम करना है, रोकना है। ये आपका स्टॉप आ चुका है। यहाँ पर येलो सिग्नल है, मतलब आपको यहाँ पर रुकना है और 200 मीटर की डिस्टेंस बची। यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको स्टेशन पर रुकना है या नहीं? जो स्टेशन रहेगा वहाँ पर आपको इंजन हॉल्ट करने का सिग्नल दे दिया जाएगा, जो आगे बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पे हमने हमारी स्पीड कम कर ली है क्योंकि स्टेशन आ गया, स्टेशन पे हमेशा स्पीड कम होगी। आप नीचे देख सकते हैं वी आर रनिंग लेट बाय 9 मिनट्स, इसमें हमेशा लेट या अर्ली चलते रहता है, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे रेड लाइन आ गई, मतलब आपको यहाँ से स्पीड को कम करना स्टार्ट कर देना है और इस स्टेशन पर आपको रोकना है। तो यहाँ पर हमारा अरक्कोणम जंक्शन पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है। हम धीरे धीरे जाएंगे ऊपर, आप देख रहे हैं मैसेज अप्रोचिंग डेस्टिनेशन, ब्रिंग द इंजन टू हॉल्ट इन 32 और वट एवर मीट। ग्रीन लाइन के पहले हमको हमारी ट्रेन को रोकना होता है। यहाँ पर हम फुल ब्रेक लगा देंगे और यहाँ रुक चुकी है हमारी ट्रेन और यहाँ पर अराइवल हो चुका है हमारा अरक्कोणम जंक्शन पर। राइट साइड के गेट फिर से खोल देंगे और यहाँ पर पैसेंजर डीबोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ब्रेक लगे हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन यहाँ पर आप देख सकते होंगे वनियमवड़ी, इन्होंने फ्लैश कर दिया। ग्रीन सिग्नल है, मतलब वी कैन गो, वी कैन प्रोसीड। अब जल्दी से हॉर्न बजाएंगे, डोर क्लोज करेंगे और फिर से थ्रोटल पुश करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम फिर से ऑर्बिट व्यू में चले जाएंगे और क्योंकि हमने थ्रोटल पुश कर दिया है, धीरे धीरे हमारी ट्रेन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रीन सिग्नल का मतलब है आगे बढ़ सकते हैं। अगर रेड सिग्नल है दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप। येलो है मतलब आपको कम स्पीड पे चलना है। ग्रीन सिग्नल मतलब फुल परमिसिबल, जितनी भी स्पीड है उस पर आप चल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं वनियमवड़ी स्टेशन 1700 मीटर्स दूर है। हम यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए। अभी वी आर रनिंग लेट बाय 29 मिनट्स। यहाँ पे बहुत शानदार सा हमारा डिपार्चर हो चुका है अरक्कोणम जंक्शन से। नेक्स्ट हम वनियमवाड़ी तक चल रहे हैं। अभी आप सिग्नल व्यू देखेंगे, जो भी नेक्स्ट सिग्नल है उसका आपको व्यू दिखता है, ट्रेन वहाँ से पास होती हुई दिखती है, ये सबसे बेस्ट व्यू होता है। हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा वो 1500 मीटर के बाद आएगा, तो मैं भी गेम को थोड़ा सा आगे स्किप करते हुए एंड में ले जाऊंगा जहाँ पर हमारी जर्नी एंड होगी। हम गेम को स्किप करके आगे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वनियमवड़ी जंक्शन जो है 600 मीटर्स दूर है, 130 की स्पीड से हम चल रहे हैं। आगे येलो सिग्नल है 300 मीटर्स में, इसका मतलब आपको थ्रोटल फुल पुश नहीं करना है, थ्रोटल को पूरा गिरा देंगे। यहाँ पर आगे हमारा स्टेशन आ चुका है रेडी अर्निंग लेट बाय 54 मीटर्स। स्पीड को धीरे धीरे कम करेंगे, ब्रेक सप्लाई कर देंगे क्योंकि 100 की स्पीड हो चुकी है और प्लेटफॉर्म आ चुका है। यहाँ पर धीरे धीरे हम
जा रहे हैं बनियानवाड़ी जंक्शन की तरफ। स्पीड आ चुकी है 70, अब यहाँ पर स्पीड लिमिट 50 है, इसलिए 50 तक आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा अराइवल होने वाला है बनियानवाड़ी जंक्शन पर। यहाँ पर एक बार हॉर्न मार देंगे, यहाँ रेड लाइन आ गई, मतलब आपको स्पीड यहाँ से स्लो करते करते अराइवल करना है बनियानवाड़ी जंक्शन या जो भी स्टेशन है उस पर। तो इस तरह से हमारा अराइवल हो रहा है। ग्रीन के पहले आपको रोकना है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारा अराइवल हो चुका है। धीरे धीरे हम ब्रेक सप्लाई करेंगे। तो ये था एक बेसिक गेम प्ले ऑफ इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। फॉर एडवांस गेम प्ले आप मेरा नेक्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, कुछ ही दिन में आ जाएगा, जहाँ पर मैं सारी कपलिंग डिकपलिंग और अलग टाइप के वेदर्स और चैलेंज मोड सब खेल के गेम प्ले के थ्रू आपको बताऊँ। यहाँ पर लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको पूरी समरी दिख जाती है और यहाँ पर आपको ट्रिप पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये कस्टम मोड है इसलिए आपको कोई कैश नहीं मिलेगा। चैलेंज मोड में आपको कैश और ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एडवांस मोड खेलेंगे।